हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा साड़ी शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी। सबसे पहले जो साड़ी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी वो है, मतलब आप लोगों को दिखाऊंगी, वो है ये साड़ी जो मैंने अभी पहनकर रखी है। आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये साड़ी और काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल भी है। मैंने इसे एक वाइट क्रॉप टॉप के साथ वेयर किया है, तो इसके साथ भी ये मैच हो रहा है। इसके साथ भी वाइट कलर का ब्लाउज पीस आया है, बट उसे मैंने स्टिच किया नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वाइट क्रॉप टॉप है, तो इसी से काम चल रहा है, तो अच्छा ही लग रहा है, अच्छा खासा मैच हो रहा है। इसके साथ मैंने इस तरह की एक ब्लैक वेस्ट बेल्ट वेयर की है और इसके कारण और भी ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है। चाहे तो हम इसे खुला भी छोड़ सकते हैं, बट ये साड़ी जो है ना ये स्ट्रेचेबल है। अगर हम इसे खुला छोड़े तो पल्लू जो है वो ज़्यादा शॉर्ट लगता है, इसी वजह से मैं जैसे तैसे करके प्लीट्स कर लिया है। और इसके साथ मैंने ये चौकर पहना है। अगर मैं इसके साथ चौकर ना भी पहनूँ, सिर्फ एक बिग ईयरिंग वेयर करूँ तो भी ये अच्छा लगेगा, बट मुझे ये अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने पहन लिया है। पर्पल कलर में इस तरह की डॉटेड प्रिंटेड है वाइट कलर का। ये फुल क्रास्ट डिजिटल प्रिंटेड जॉर्जेट साड़ी है। मुझे ये साड़ी काफ़ी अच्छा लगा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। अगर आपको भी पसंद आया ये साड़ी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए एक बार आपको इसका फुल लुक दिखाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है ये साड़ी। ये एक जामदानी साड़ी है ब्लैक कलर में। इसका फुल बॉडी ब्लैक में है, तो पूरे बॉडी पर वर्क किया गया है ग्रीन रेड एंड येलो से। दिखाती हूँ पल्लू इस तरह के वर्क किया गया है। पूरे साड़ी पर थ्रेड वर्क किया गया है, तो कुछ इस तरह से ये वर्क किया गया है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। ग्रीन कलर ब्लाउज के साथ इसे वेयर किया है, बट येलो एंड रेड कलर ब्लाउज के साथ ना ये ज़्यादा सूट करेगा। और हाँ, इसके साथ कोई भी ब्लाउज पीस नहीं आया है, सिर्फ ये साड़ी रिसीव हुआ है। क्योंकि इसका वर्क थ्रेड से किया गया है, इसलिए इसे ड्राई क्लीन करने के लिए ही इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये बिल्कुल एक ट्रेडिशनल साड़ी है, क्योंकि जामदानी साड़ी है, इसे हम ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ वेयर कर सकते हैं। सिर्फ ये ईयरिंग लगाया है, तो नेक पीस अगर हम इसके साथ ट्रेडिशनल पहने तो अच्छा लगेगा। बिंदी मेरा छूट गया था इसके साथ, लेकिन इस साड़ी के साथ बिंदी जाएगा। चलिए आपको इसका एक फुल लुक दिखाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है ये रेड साड़ी, रेड एंड गोल्डन में है। ये कांचीपुरम बनारस लीची सिल्क साड़ी है। ये जो है बिल्कुल ब्राइडल वाला साड़ी लग रहा है। एक्चुअली ये बेंगोली ट्रेडिशनल साड़ी है कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बेंगोलीज इस तरह की साड़ी पहनते हैं। इसके साथ एक प्लेन ब्लाउज पीस आया है, उसे अभी तक मैंने स्टिच नहीं किया, तो इसी के साथ वेयर किया है, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इसके साथ। इसके साथ जो ब्लाउज पीस आया है उसे अगर मैं स्टिच करके पहनूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। बस आपको अभी दिखाने के लिए ऐसे ही मैंने वेयर कर लिया है। इसे अगर हम शादी या तो कोई भी फेस्टिव में पहने तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह की गोल्डन वेस्ट बेल्ट के साथ मैंने इसे वेयर किया है। अभी उतना ज़्यादा वेट भी नहीं है इसका, पहनने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं आया और फूला फूला भी नहीं है। बट इसे मैंने अभी अच्छे से नहीं पहना है, प्लीट्स वगैरह बनाकर वैसे ही पहन लिया है। एक के बाद एक पहन रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मेसी हो रखा है, उसे इग्नोर करना। और चलो दिखाते हैं आपको फुल लुक साड़ी का। सो गाइस, ये तीनों साड़ी मैंने अमेजन से परचेस किया है। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, क्योंकि साड़ी हर किसी को अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। अब मैं आपको इसका फुल लुक दिखाऊंगी।